welcome to my channel. Hello. Hello friends. तो अभी हम सब गाड़ी में सवार हो चुके हैं और कहीं पे जा रहे हैं. तो पीछे बच्चे पार्टी बैठे हुए हैं. यहाँ पे हम तीन और आगे हैं ये ड्राइवर जी जिनका बर्थडे है और ये है हेलो मेरे भैया. तो भैया भाभी आए और उनको कनाडा घुमाएंगे तो दिखाएंगे. अभी अब हम जा रहे हैं बैंफ या लेक लुइस. कहाँ पे जाते हैं वो जाके बताते हैं. चलो तो जाके मिलते हैं. ओह ट्रांजिशन वापस से गलत हो गया लेकिन कोई बात नहीं भाई. हम ये वैसे भी दिखाने नहीं रहे. दिखा ये रहे कि हम कहाँ पे आ गए. तो हम कहाँ पे आ गए वो भी नहीं मालूम क्योंकि हम जा रहे थे बैंक और रास्ते में हमें बहुत सारी कार्स यहाँ पे खड़ी हुई दिखी. और देखो लोकेशन भी बहुत अच्छा है, पानी भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे फोटो भी बहुत अच्छी आ रही है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है. तो साथ साथ हमने भी सोचा कि चलो भाई हम भी गाड़ी रोकते हैं और यहाँ पे अपने थोड़े फोटोज और शूट ले लेते हैं. तो सब ने अपनी अपनी पिक्चर्स ली और मैंने भी सोचा कि चलो भाई मैं भी अपने वीडियो के लिए थोड़ा सा शूट कर देती हूँ. तो हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे लेकिन आप लोगों को मालूम ही है जिनके घर पे बच्चे हैं कि भाई जो सोचे वो टाइम पे निकल ही नहीं सकते. तो हम वैसे भी प्लानिंग के बिना ही निकले हैं यहाँ पे बैंफ आने के लिए. और देखो अभी हम जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि हम लोग आए हैं इंडिया से अभी अभी और इसीलिए हमें जेट लैग भी है. तो अभी देखेंगे कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं. जहाँ पे अच्छा लगेगा वहीं पे रुक जाएंगे. कपड़े भी हमने साथ में ले लिए कि अगर हमें कहीं पे रुकने की ज़रूरत पड़े होटल में या तो एयरबीएनबी में तो हम वहीं पे भी रुक जाएंगे. लेकिन जितना हो सके उतना हम एक्सप्लोर करेंगे. तो गाड़ी में हम गानों को एंजॉय करते हुए और बाहर की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए लिटरली आज का वेदर बहुत अच्छा है. वरना तो इस मौसम में अभी तक तो मतलब बहुत ठंड हो जाती है. तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम इस मौसम में बैंक घूमने आए. तो अब हम पहुंच चुके हैं लेक लुइस और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ पे पार्किंग के ऑनलाइन पे करना होता है तो वो हमने पे कर दिया और अब हम निकले लेक की तरफ. ए, हम पहुंच गए हैं लेक लुइस. ए, यहाँ पे किट किट चौकी पेट्स हेलो. तो यहाँ पे भी मैं ट्रांजिशन का ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं हुआ. और ये ब्यूटी देखो, ये है कनाडा की असली ब्यूटी. स्पेशली लोग ये देखने के लिए आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए. इतना साफ आसमान है, पानी भी इतना क्लियर है और जो पानी का कलर बाद में ग्रीनरी. अभी तो जैसे कि वो धूप है ना तो इसीलिए थोड़ा सा इतना जितनी ब्यूटी है ना ऐसी नहीं लग रही है. लेकिन मतलब आना ही चाहिए. अगर जो लोग आए हुए उन लोगों को तो मालूम ही है कि मतलब ये ब्यूटी को हम नया वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं या तो नहीं फोटोज़ में. ये जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको ही पता चलता है. मतलब ऐसा ही लगता है कि सुबह से शाम तक यहीं पे बैठे ही रहे. और यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना कि जैसे ही थोड़ी जगह मिलती थी हम हर जगह फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे. मतलब ऐसा कोई था नहीं कि ये एंगल अच्छा है. यहाँ पे हर एंगल अच्छा ही था. हाँ बीच में जैसे कि वो दो पहाड़ के बीच में से जो सन आता है वो देखने में फ़ोटोज़ में अच्छा लगता है. लेकिन देखो फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी हो जाती है. तो जैसे बताया कि ये मौसम परफेक्ट है इसीलिए आज देखो बहुत सारी भीड़ है. वैसे तो यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है. अगर ये कभी कभार तो ये पूरा फ्रोज़न हो जाता है लेकिन फिर भी ये यहाँ पे भीड़ रहती है. और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि थोड़े पत्थर स्लिपरी है. मतलब हम तो वॉक कर सकते हैं, मतलब अंदर नीचे फ़ोटो के लिए नीचे जा सकते हैं लेकिन बच्चों को अंदर खेलना था भाई. पानी तो थोड़ा ठंडा था ही, मतलब इतना ही अभी टेम्परेचर इतना नहीं हो गया है लेकिन फिर भी देखो बच्चों को जो जाना ही है. तो अभी वो मेरा वाला मतलब मिहान गया है तो ये मेरा भतीजा बोला कि अभी मुझे भी जाना है. मतलब पानी देखते तो बच्चे जैसे पागल ही हो जाते हैं, उनको खेलना ही खेलना है. तो हमने सोचा कि चलो भाई उन लोगों का फ़ोटोज़ भी ले लेंगे और उनको थोड़ा मतलब ऐसे हाथ पाथ लगाने हैं पानी को तो वो भी वो छू सकेंगे तो उसका मतलब उनको भी लगेगा. क्योंकि बच्चों को जो देखो नहीं तो ग्रीनरी से कुछ मतलब है ना ही तो कुछ लोकेशन से मतलब है. उन लोगों को तो ऐसे पानी ऐसे टॉयज या ऐसे कुछ मतलब उनके काम की चीज़ें मिलनी चाहिए तभी उनको मज़ा आएगा. तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो भाई बच्चों को भी एंजॉय करना कराना चाहिए. नहीं तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि बस हमको ऐसे गाड़ी में बैठ बैठ के घुमाते ही रहते हैं मम्मी पापा. तो इतनी अच्छी जगह को हमें बाय बाय करने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ेगा. और अभी हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह पे. हम जा रहे हैं कोई मिल गया कि फिल्म शूटिंग लोकेशन पे.
हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पे वहाँ फिल्म के शूट हुए थी। वी आर पेटलेक जाने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे इतना लंबा सफर है। यहाँ पे सिर्फ पार्किंग है लेकिन सिर्फ लग्जरीज या बसेस के लिए है, और हमारा जो फोर व्हीलर का पार्किंग है वो बहुत दूर। हमारे फैमिली मेंबर्स दूसरे जो है वो लोग भी जाके आए हैं, देखते हैं। वेरी एक्साइटेड। एंड तो हम आ चुके हैं पेटू लेक, जहाँ पे कोई मिल गया कि सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। तो हम लोग एक्चुअली 4-5 साल पहले भी जब कनाडा आए थे ना फर्स्ट टाइम घूमने के लिए, तभी भी यहाँ पे मतलब मैं तो यहाँ से आधे रास्ते में ही वापस गई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पूरा फ्रोज़न था, रास्ता भी पूरा फ्रोज़न था। हम इससे थोड़ा पहले आए थे लेकिन तभी भी हमें ये अच्छे से देखने को नहीं मिला था। मेरे हस्बैंड सिर्फ यहाँ पे आए थे और मैं तो आधे रास्ते से ही वापस गई थी, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो उस टाइम में 4 मंथ्स का ही था। और अब हम आ गए फाइनली, मतलब मेरा मोस्ट अवेटेड प्लेस जो बोले कि मुझे आना ही था। मुझे कब से यहाँ पे बैम घूमने आना था, लेकिन मैं वेट कर रही थी मेरे भैया भाभी का, मतलब वो लोग आए तो उनके साथ ही हम घूमने जाए ऐसा। और मतलब देखो, एक से बढ़कर एक ब्यूटी है, यहाँ की ब्यूटी वहाँ की ब्यूटी सब अलग अलग है। यहाँ पे जो पत्थर है, नीचे पानी का कलर है, मतलब आपको हर एक जगह ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब एक जैसी है, हर एक ब्यूटी अलग अलग है और वो अपने आप में ही मतलब खूबसूरत है। What a look. तो यहाँ पे अभी भी देखो पहाड़ों पे अभी भी बर्फ दिख रही है और वो पिघलती पिघलती आती है और यहाँ पे पानी में मिल जाती है। मतलब कनाडा में और कहीं तो हमें स्नो देखने को नहीं मिली, लेकिन फाइनली यहाँ पे पेटो लेक में तो मिली ही। और एज यूजुअल हर जगह भीड़ तो है ही, मतलब अभी लोग घूमने निकले। वैसे तो ये ऑफ सीजन है, मतलब ऑफ सीजन वही इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे वैसे तो विंटर स्टार्ट हो जाता है, मतलब ठंडी स्टार्ट हो जाती है। और ये ही जहाँ पे हाँ वहाँ पे ये सॉन्ग का शूटिंग हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हम भी एक रील बना देते। तो हमारे मूव्स इतने अच्छे से नहीं आए क्योंकि हम देखना चाहते थे कि मूव्स क्या है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो बस ऐसे ही जो भी याद आया, वो मन में आया, वो इस हिसाब से हमने अपने रील बना दिए। एक सीन में यहाँ पे प्रीति जिंटा एंड ऋतिक रोशन यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि भाई चलो हम भी यहाँ पे फोटो ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे नीचे देखा तो नीचे है ना प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा है, तो हमने सोचा कि चलो हम नीचे जाके भी फोटो खिंचवाते। लेकिन यहाँ पे रेलिंग ऐसी कुछ है नहीं और हमारे साथ थे 3 बच्चे, मतलब एक तो मेरा बड़ा है लेकिन दूसरे 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने सोचा भाई चलो हम ऊपर रह के ही फोटो खिंचवाते और बाकी जो शूटिंग हुआ था फिल्म जो सॉन्ग का वो नीचे वाली जगह का है, तो मैं वहीं से भी इसीलिए दिखा देती हूँ। तो इस जगह को भी अभी हम फाइनली गुड बाय करते करते हम निकले हैं वापस घर की ओर। घर की ओर आते आते हमको मिला ये है बैम का साइन, और बैम आए और बैम के साइन के आगे हम अगर फोटोज ना खिंचवाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पार्किंग की जगह भी है, मतलब सामने आप 15 मिनट्स का फ्री पार्किंग ऐसे कर सकते हो फोटोज खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पे भी ढेर सारे फोटोज एंड वीडियोज क्लिक करने के बाद हम निकले, तो हमें रास्ते में मिला बो लेक। तो हमें इसका शेप बो जैसा तो नहीं मिला क्योंकि शायद फोटोज़ में नहीं आता होगा और वीडियोस में नहीं दिखता होगा, शायद ड्रोन शॉट से लो तो बो दिखता है। लेकिन जो भी है हमें इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगी, तो यहाँ पे भी एक फ़ोटो सीन। तो लेकिन अब इतना थक गए थे कि हमने मतलब हमारे फ़ोटो लेने के बजाय हमने सोचा कि चलो भाई हम सीन सीनरी का ही फ़ोटो ले लेते हैं। और देखो अभी हम निकले वापस घर की ओर क्योंकि हम अभी इतने थक गए और बच्चे भी गाड़ी में सो गए, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। तो चलो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, वापस से बैंफ आएंगे कल, क्योंकि अभी आज सब कुछ हमने गंडोला राइड और वो सब नहीं किया है, तो हम कल वापस आते हैं। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत।